अगर आप एक जियो यूज़र है और आप चाहते हैं इस तरह की कॉल डिटेल्स निकालना, तो आपको मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा बस दो मिनट में कैसे आप अपने नंबर पर आई हुई गई भी कॉल डिटेल्स निकालेंगे नंबर के साथ। पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल मैं आपको निकालने का तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो नहीं समझ पाएंगे कैसे आप अपने जियो नंबर पे की आई हुई गई भी कॉल डिटेल्स का पता करेंगे। चाहे आपने अपने मोबाइल में से डिलीट क्यों ना क्यों, वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा नंबर के साथ, टाइम के साथ, कब किसने आपको कॉल किया था और कितने बार कॉल आए थे, वो सब कुछ डिटेल आपको मैं नंबर के साथ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको कंटिन्यू देख रहा है तो पूरा तरीका जानना है, तो वीडियो स्किप नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि वीडियो चलाना जाए। तो यहाँ पर देखिए आपको एक लाल बटन नज़र आएगा जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, तो उस सब्सक्राइब को आपको ब्लैक कर देना है और ऊपर एक बेल आइकन का ऑप्शन नजर आएगा तो उस बेल आइकन को भी आपको प्रेस करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप एक जियो यूज़र है तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसे कहते हैं जियो ऐप। जियो ऐप डाउनलोड कर लेना है। जियो ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, आपके मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। आपके मोबाइल नंबर से लॉगिन होने के बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपके नंबर पर रिचार्ज है या नहीं। अगर आपके नंबर पर रिचार्ज नहीं है तो आप अपना एक रिचार्ज करा ले। रिचार्ज कराने के बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके माई जियो ऐप में आपका ईमेल एड्रेस है या नहीं है। आपके माई जियो ऐप में ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं होगा तो सबसे पहले आप अपने माई जियो ऐप में अपना एक ईमेल एड्रेस अपडेट कर ले। अब ईमेल एड्रेस अपडेट कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन नजर आएगा, 3 डॉट पर जाना है, प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल में आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ईमेल डालने के एक ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर आपको ईमेल डाल देना है। कंफर्म करने के लिए आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी लेना है, यहाँ पर डाल देना है। अब आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका, अब आपका ईमेल माय जियो ऐप में अपडेट हो चुका। अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, माय जियो ऐप में जाना है। माय जियो ऐप में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए स्टेटमेंट वाला ऑप्शन नज़र आएगा, उस स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो करंट महीना है, करंट महीने की जो उतने भी डिटेल है, पूरे 30 दिन की डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चाहे तो आप ईमेल के ज़रिए ले सकते हैं, चाहे तो आप पीडीएफ के ज़रिए ले सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप बोलोगे मैंने तो आपको 6 महीने की कहा था, तो 6 महीने की कैसे यहाँ पर कॉल डिटेल्स निकलेंगी, तो देखिए 6 महीने की कॉल डिटेल्स निकालने के लिए यहाँ पर आपको एक मैनुअली ऑप्शन दिया गया है, तो उस मैनुअली ऑप्शन में जाना है। मैनुअली ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी महीने की आपको कॉल डिटेल्स निकालनी है उस महीने को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट डेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको 30 डेज को सेलेक्ट करना है, 1 से लेकर 30 दिन को सेलेक्ट करना है। 1 से लेकर 30 दिन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ईमेल का ऑप्शन नज़र आएगा, जो कि मैंने आपको कहा था ईमेल एड्रेस अपडेट कर लेना है, अपडेट किया था वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के कुछ देर बाद आपको आपके ईमेल पे अपने कॉल डिटेल्स की पीडीएफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आप अपने जियो एप्लीकेशन के ज़रिए अपने कॉल पर आई हुई गई हुई कॉल डिटेल्स का पता कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एक वीआई का सिम कार्ड है और वीआई सिम कार्ड की कॉल डिटेल्स आपको निकालनी है तो आपको एक नया वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने बताया आई गई हुई कॉल डिटेल्स का पता कर सकते हैं। पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल्स आपको वहाँ पर भी मिलेंगे, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे, या तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका काम हो चुका होगा और आपको कॉल डिटेल्स मिल चुकी होंगी। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ इस तरह के अपडेट के साथ।